साथियों, हमारी काशी में बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दोनों विराजते हैं और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तभी से काशी पर यह विशेष आशीर्वाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ सबके सबके खाने का इंतजाम कर देंगे। आप सभी के लिए, तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेषकर आप सबको बनाया है। एक तरह से आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे हैं। इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन हो, कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंखों आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना, इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था, और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है। और मुझे बताया गया है कि जिला प्रशासन के पास भोजन बांटने के लिए अपनी गाड़ियां कम पड़ गई तो डाक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल वैन इस काम में लगा दी। सोचिए, सरकारों की, प्रशासन की छवि तो यही रही है कि पहले हर काम को मना किया जाता है। ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हें कौन दूंगा, मुझे तो ये करना है, तुम क्यों ना होते हो, ये होता था। लेकिन यहां हमने देखा है कि आगे बढ़कर के एक दूसरे की मदद की गई। इसी एकजुटता, इसी सामूहिकता ने हमारी काशी को और भव्य बना दिया है। ऐसी मानवीय व्यवस्था के लिए यहां का प्रशासन हो, गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट हो, राष्ट्रीय रोटी बैंक हो, भारत सेवाश्रम संघ हो, हमारे सिंधी समाज के भाई बहन हो, भगवान अवधूत राम कुष्ठ सेवा आश्रम सर्वेश्वरी समूह हो, बैंकों से जुड़े लोग कोट पैंट टाई छोड़कर के गली मोहल्ले में गरीब के दरवाजे खड़े हो जाए, तमाम व्यापारी एसोसिएशन, और हमारे अनवर जी तो कितना बढ़िया तरीके से, अनवर अहमद जी ने बताया
ऐसे कितने अनगिनत लोग, और मैं तो अभी सिर्फ 5-7 लोगों से बात कर पाया, लेकिन ऐसे हजारों लोगों ने काशी के गौरव को बढ़ाया है। सैकड़ों संस्थाओं ने अपने आप को खपा दिया है। सबसे मैं बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं। इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं। अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किए, इनके आशीर्वाद ले रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णा में आपको और सामर्थ्य दे और शक्ति दे।